अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ स्किल स्टूडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे कि इनसेंबल मेथड्स क्या होते हैं और उनकी टाइप्स। इनसेंबल मेथड्स आर अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, उसके अंदर हम मशीन लर्निंग के अंदर इनसेंबल मेथड्स यूज़ होते हैं। अब इनसेंबल मेथड्स होता क्या है? इसमें ये होता है कि मशीन लर्निंग के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, तो उन डिफरेंट मॉडल्स को कंबाइन करके हम एक नया मॉडल बनाते हैं और वो नया मॉडल जो है वो उन डिफरेंट मॉडल से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमें देता है। जिस तरह एक मशीन लर्निंग मॉडल है SVM, ठीक है, आपने एक मॉडल ट्रेन किया है SVM से, दूसरा आपने ट्रेन किया है KNN से, और थर्ड जो मॉडल आपने एक ही डेटा सेट के ऊपर लगाया है और वो है डिसीजन ट्री, ठीक है। तो इन तीनों से आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो डिफरेंट आ सकता है एक दूसरे से। तो इनसेंबल मेथड्स क्या करते हैं कि इन तीनों की जो प्रिडिक्शंस आती हैं, इन तीनों की प्रिडिक्शंस को कंबाइन करके एक नया मॉडल बनाते हैं और उसको कहते हैं हम इनसेंबल मेथड। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं इनसेंबल मेथड्स की। एक आती है बैगिंग, फिर आती है बूस्टिंग और एक आती है स्टैकिंग। अब इनको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले स्टैकिंग करते हैं। स्टैकिंग में ये होता है कि आपके पास एक डेटा सेट है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक है डेटा सेट, उस डेटा सेट के ऊपर आपने तीन मॉडल्स लगाए हैं, और डेटा सेट में फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ऐसा डेटा सेट लिया है जिसके अंदर ईमेल्स हैं और आप उस ईमेल्स को क्लासिफाई करना चाह रहे हैं इनटू स्पैम और नॉन स्पैम ईमेल्स। तो आपने वो डेटा सेट ले लिया है, डेटा सेट ये वाला, ठीक है। उसके बाद आपने उसमें तीन मॉडल्स लगाए हैं, SVM लगाया है, डिसीजन ट्री लगाया और KNN लगाया। अब तीनों मॉडल्स ने अपने हिसाब से डिफरेंट रिस्पॉन्स दिए हैं। SVM ने कहा है कि इस डेटा सेट के अंदर स्पैम ईमेल्स हैं, डिसीजन ट्री ने कहा है कि जो डेटा सेट आप ट्रेन करा रहे हैं उसके अंदर नॉन स्पैम ईमेल्स हैं, और जो KNN है उसने कहा है कि जो डेटा सेट आप ट्रेन कर रहे हैं उसके अंदर स्पैम ईमेल्स हैं। अब अगर आप तीनों को कंबाइन करके, इन तीनों की प्रिडिक्शंस को कंबाइन करके एक नए मॉडल में डालते हैं, यहाँ पे एक न्यू मॉडल आएगा, और उस न्यू मॉडल की जो रिज़ल्ट आएगा उससे जो आपको पता चलेगा वो आपके पास ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो ये हमारे पास आता है स्टैकिंग का मॉडल। अब इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। वोटिंग और एवरेजिंग ऑफ प्रिडिक्शंस ऑफ मल्टीपल प्री ट्रेन मॉडल्स, ठीक है, ये थे हमारे पास प्री ट्रेन मॉडल्स। हमने उन प्री ट्रेन मॉडल्स का एवरेज लेके एक नया मॉडल बना के हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे इनसेंबल मेथड से आया। अब फर्स्ट जो हम डिस्कस करें वो स्टैकिंग है। यूज़ प्रिडिक्शंस ऑफ मल्टीपल मॉडल्स एज फीचर्स टू ट्रेन अ न्यू मॉडल एंड यूज़ द न्यू मॉडल टू मेक प्रिडिक्शंस ऑन द टेस्ट डेटा। आपके पास ये एक डेटा सेट था जिसमें आपने ये क्लासीफाई करना था कि स्पैम ईमेल्स हैं या नॉन स्पैम ईमेल्स हैं। अब स्टैकिंग में हमारे पास दो तरह के, दो लेवल्स के मॉडल्स आ जाते हैं। एक लेवल वन आता है और एक लेवल टू आता है। लेवल वन वो होता है कि आप इनिशियली अपने डेटा सेट के ऊपर जो जो से मॉडल्स अप्लाई कर रहे हैं इंडिविजुअली, तो आपने अपने डेटा सेट के ऊपर इनिशियली SVM अप्लाई किया, डिसीजन ट्री किया और KNN किया, तो ये आपके पास लेवल वन मॉडल्स आ गए, ठीक है। उससे जो हमारे पास रिजल्ट आया स्पैम, नॉन स्पैम और फिर दोबारा स्पैम आया, तो आपने इन तीनों की प्रिडिक्शंस को कंबाइन करके एक इनसेंबल मेथड में इनसेंबल मॉडल में डालना है, और वो जो इनसेंबल मॉडल होगा वो लेवल टू मॉडल आ जाएगा, ठीक है। ये लेवल टू मॉडल आ गया। अब लेवल टू मॉडल हमारे पास उसी डेटा सेट के ऊपर रन होगा, लेकिन वो जो हमें प्रिडिक्शन देगा, जो रिज़ल्ट देगा, वो हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट आएगी एज़ कम्पेयर टू इन तीन के। अब यहाँ पे आप देखें कि पहले स्पैम था, एक ने नॉन स्पैम दे दिया और फिर स्पैम दे दिया। अब अगर आप लोग अपने मॉडल में एक ही SVM में लगा रहे हैं और किसी आपने चेक करने के लिए उसको डिसीजन ट्री भी लगा दिया तो वो नॉन स्पैम दे दिया, तो यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है कि स्पैम है या नॉन स्पैम है। तो ज़्यादा बेटर एक्यूरेसी के लिए हम लोग इन सिंपल मेथड्स लगाते हैं, और इन सिंपल मेथड्स में स्टैकिंग का इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे पास इस तरह की कन्फ्यूजन से हमें नज़र ना आए। अब स्टैकिंग में आपने ये किया था कि आपने एक ही डेटा सेट के ऊपर डिफरेंट मॉडल्स लगाए थे। अब एक और अप्रोच ये है कि इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग डिफरेंट मॉडल्स ऑन द सेम डेटा, ट्रेन सेम मॉडल मल्टीपल टाइम्स ऑन द डिफरेंट डेटा सेट्स एंड कंबाइन दीज डिफरेंट मॉडल्स। इसके एग्जांपल ये ले लें कि आपके पास ये एक डेटा सेट है, ठीक है, ये आपके पास एक है डेटा सेट। अब इस डेटा सेट को आपने डिफरेंट सब पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, उसको आपने डेटा सेट वन कर दें, डेटा सेट टू कर दें और डेटा सेट थ्री कर दें, ठीक है। जब आप उसी डेटा सेट को तीनों में डिवाइड करेंगे, इसके ऊपर आपने एक मॉडल लगाना है, सेम मॉडल इन तीनों के ऊपर लगाना है, ठीक है, तीनों के ऊपर सेम मॉडल लगा के आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो भी अच्छा एक्यूरेट रिज़ल्ट देगा। तो ये वाली जो एग्जांपल मैंने बताई है ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती है बैगिंग की।
ठीक है, ये वाली जो एग्जांपल थी कि हमने एक डेटा सेट लिया, उस डेटा सेट के अंदर हमने उस डेटा सेट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया और हर पार्ट के ऊपर हमने एक मॉडल लगाया। मॉडल लगाने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो हमारे पास ज़्यादा अच्छा आया एज़ कम्पेयर टू कि हमारे पास एक ही डेटा सेट था और उसके ऊपर हम या डिफरेंट मॉडल्स लगाते हैं या हम सेम मॉडल एक ही डेटा सेट के ऊपर लगाते हैं। तो वी कैन यूज़ सम वीक और बेस मॉडल, सिंपल और वीक मॉडल एज अ बेस मॉडल। उसके बाद हाउ डू वी गेट मल्टीपल ट्रेनिंग डेटा सेट्स, इन प्रैक्टिस वी ओनली हैव वन डेटा सेट एट अ ट्रेनिंग टाइम। ट्रेनिंग टाइम पे हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा सेट होता है, तो मल्टीपल डेटा सेट्स हम लोग किस तरह से करेंगे कि हम एक ऐसा फंक्शन लगा देंगे अपने कोड के अंदर, मशीन लर्निंग के कोड के अंदर, कि हमारा जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट डेटा सेट्स में डिवाइड हो जाता है। हाउ डू वी गेट मल्टीपल ट्रेनिंग डेटा सेट्स, अब ये देखिए ये हमारे पास एक सिंपल ट्रेनिंग डेटा सेट है जो हमने इस तरह से एक एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब हमारे पास बैगिंग आ रही है और बूस्टिंग आ रही है। अभी तक हमने सिर्फ बैगिंग को डिस्कस किया है। तो बैगिंग में ये होता है कि आपकी जो डेटा सेट है, डेटा सेट वो रैंडम डेटा सेट्स में आगे डिवाइड हो जाता है, जिस तरह हमने D1 में किया था, D2 में किया था, तो वो रैंडम सैम्पलिंग आ जाती है। जो फंक्शन हम लोग कोड के अंदर लगाते हैं वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी डेटा सेट किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। बैगिंग ऑल्सो स्टैंड्स फॉर बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन, इसको हम बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन भी कह सकते हैं और बैगिंग भी कह सकते हैं। अभी वो एग्जाम्पल इन्होंने ली हुई है कि टेक ओरिजिनल डेटा सेट डी विद एन ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स। ये देखें, बैगिंग स्टैंड्स फॉर बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन, टेक्स ओरिजिनल डेटा सेट डी, हमारे पास एक डेटा सेट था डी, ठीक है, उसके अंदर हमारी जो एग्जाम्पल्स थी वो थी एन। ठीक है, अब हमने इस डेटा सेट के अंदर डिफरेंट कॉपीज बनानी है डी एम, ईच डी एम इज जनरेटेड फ्रॉम डी। ठीक है, ये हमारा डेटा सेट था जिसके अंदर एन सैम्पल्स थे, हमने इसको सबसेट में डिवाइड करना है और उस सबसेट्स को डिवाइड करके हमने कहना है कि ये डी एम है। ठीक है, हमने लास्ट में भी तीन में ही डिवाइड किया था, जिसको मैंने D1, D2 और D3 का था, अब मैं इसको DM में डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, बाय सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, ईच डेटा सेट DM हैज़ अ नेम नंबर ऑफ एग्जाम्पल एज इन डेटा डी। जो डेटा सेट हमारे पास डी में था, ओरिजिनल डेटा सेट था, वही सारी चीज़ें हमने फर्दर डिवाइड कर देनी है। सो दीज डेटा सेट्स आर रीजनेबली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर सिंस ओनली 63% ऑफ द ओरिजिनल एग्जाम्पल्स अपीयर इन एनी ऑफ दीज डेटा सेट। अब डेटा सेट में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक डेटा सेट ले लें जिसमें हमारे पास जो है वो इस तरह से है। ए में जो है वो सारे स्पैम पड़े हुए हैं, बी में हमारे पास स्पैम और नॉन स्पैम मिक्स पड़े हैं, और सी में हमारे पास नॉन स्पैम पड़े। तो जो डेटा सेट हमारा डिवाइड होगा वो रैंडम सैम्पलिंग से डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने हर डेटा सेट को एक मॉडल पे ट्रेन करना है। इसको H1 मॉडल पे ट्रेन कर दिया, इसको आपने H2 मॉडल पे ट्रेन कर दिया, और इस डेटा सेट को आपने थर्ड मॉडल पे ट्रेन कर दिया। ठीक है, अब इन तीनों मॉडल्स को ट्रेन करने के बाद आप इन तीनों का एवरेज लेंगे, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास बैगिंग के रिज़ल्ट में आएगा। तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो ज़्यादा अच्छा एक्यूरेट देता है। यूज़फुल फॉर मॉडल्स विद हाई वेरियंस इन नॉइजी डेटा, अब अगर इस डेटा सेट में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है और आप इस डेटा सेट के ऊपर एक ही मॉडल लगा रहे हैं, तो एक ही मॉडल के पास ये प्रोबेबिलिटी होगी कि वो हाई वेरियंस देगा और डेटा जो नॉइज़ है उसको भी साथ ही इंक्लूड कर देगा रिज़ल्ट में। तो ये चीज़ होती है कि वेरियंस जिनकी हाई होती है, तो बैगिंग बेसिकली यूज़ होती है वेरियंस को डिक्रीज़ करने के लिए। जो बैगिंग का इनसेंबल मेथड होता है उसको आप इलस्ट्रेट करने के लिए रैंडम फॉरेस्ट यूज़ करते हैं। रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है कि आप एक ट्री की फॉर्म में, एक नोड्स की फॉर्म में अपने जो रिजल्ट होते हैं वो देते जाते हैं। इनसेंबल ऑफ डिसीजन ट्री क्लासिफायर्स, इसमें क्या होता है कि यूज बैगिंग्स ऑन फीचर्स, ईच डिसीजन ट्री विल यूज़ अ रैंडम सेट ऑफ फीचर्स। अब हमने डेटा सेट को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है, DM, D1, D2 और D3 में। जितने भी आप पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उतने पार्ट्स के आपके उतने डिसीजन ट्रीज आपके बन जाएंगे। ठीक है, सो ये वाली लाइन ये बता रही है कि आपकी जितने डेटा सेट्स आपके बनेंगे उतने डिसीजन ट्रीज आपके बनेंगे। गिवन अ टोटल ऑफ डी फीचर्स, ईच डेटा सेट यूजेस अंडर रूट डी रैंडमली चूजन फीचर्स। ये वही चीज़ है कि वो रैंडमली फीचर्स, एक डेटा सेट हमारा D1 था उसमें वो रैंडमली फीचर्स को ही सिलेक्ट कर लेता है। कोई ये चीज़ नहीं है कि अगर डेटा सेट 1 आप बना रहे हो तो उसमें फर्स्ट 2 आनी चाहिए, डेटा सेट 2 आप बना रहे हो तो सेकेंड, इस तरह से नहीं होगा, वो रैंडमली सिलेक्ट करेगा सारी चीज़ों को। रैंडमली चूजन फीचर्स मेक द डिफरेंट ट्रीज अनकोरिलेटेड, ऑल डिसीजन ट्रीज यूजली हैव द सेम डेप्थ,
क्योंकि डेटा सेट हमारा इक्वल साइज का होगा तो सबका डेप्थ भी सेम होगा। ईच डेटा सेट विल स्प्लिट द ट्रेनिंग डेटा डिफरेंटली एट द लीड्स। अब यहाँ पे डिफरेंस इसलिए आ जाएगा क्योंकि आपके अंदर डेटा सेट के अंदर साइज सेम है, साइज सेम होने की वजह से उसकी डेप्थ सेम होगी। ठीक है, जब साइज सेम होगा लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जो आपने डेटा सेट को डिवाइड किया है सबसेट में उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी सेम हो, तो इन्फॉर्मेशन सेम ना होने की वजह से वो डिफरेंटली एट द लीड्स उसको डिनोट करेगा। प्रिडिक्शन फॉर अ टेस्ट एग्जाम्पल्स वोट्स ऑन एवरेजेस प्रिडिक्शंस ऑल फ्रॉम द डिटेल्स। अब इसमें यह कि ज़्यादा डिफरेंस जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा उसकी नोट्स के ऊपर, तो जो नोट्स होंगी ना वो हमें डिफरेंट डेटा सेट्स की जो डिफरेंस उनके बीच में आएगा उनको डिनोट करेंगे। तो बैगिंग हमने पढ़ा है कि बैगिंग क्या होता है। बैगिंग के पास आप बैगिंग में आपके पास एक डेटा सेट होता है, उस डेटा सेट को आप डिफरेंट सब पार्ट्स में डिवाइड करते हो और डिफरेंट सब पार्ट्स में इस तरह से ये रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू डिवाइड होता है। ठीक है, और हर डेटा सेट के ऊपर आप अपना मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करते हो। अब इसमें दो टाइप्स आ जाती हैं, या तो आप एक ही मशीन लर्निंग मॉडल इन तीनों डेटा सेट पर अप्लाई करोगे या डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल आप इन तीनों डेटा सेट पर अप्लाई करोगे। ठीक है, तो उससे जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो एज अ रिजल्ट ऑफ बैगिंग आएगा और बैगिंग को हम डिनोट करते हैं विद द रैंडम फॉरेस्ट। उसके बाद हमारे पास सेकेंड आ जाता है बूस्टिंग। बूस्टिंग में ये होता है कि हमारे पास ये एक डेटा सेट है। ठीक है, डेटा सेट को हमने ट्रेन किया है एक मशीन लर्निंग मॉडल के ऊपर। ठीक है, जब हम मशीन लर्निंग मॉडल के ऊपर ट्रेन करेंगे तो उससे हमारी एक प्रिडिक्शन आ जाएगी। से जो भी प्रिडिक्शन आएगा या जो भी रिजल्ट आएगा उस प्रिडिक्शन में हमारी कुछ एरर्स भी आ सकते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उन प्रिडिक्शंस में हमारे एरर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम उन एरर्स को आगे लेंगे, उन एरर्स के साथ लेके अगला मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करेंगे। ठीक है, अगला मशीन लर्निंग मॉडल जो हमारा प्रिडिक्शन देगा, प्रिडिक्शन में फिर एरर्स आएंगे, एरर्स में हम फर्दर मशीन लर्निंग मॉडल लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि हमारे पास एक ही डेटा सेट है और उस पर हम लोग वीक एक मशीन लर्निंग मॉडल लगाते हैं, उससे जो हमारा रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के ऊपर हम दूसरा मशीन लर्निंग मॉडल लगाते हैं। तो ये वाला जो मशीन लर्निंग मॉडल लगेगा और इसकी जो प्रिडिक्शन आएगी वो इस पहले वाले मशीन लर्निंग मॉडल से बेटर होगी। टेक अ वीक लर्निंग एल्गोरिदम। ठीक है, ये जो वीक लर्निंग एल्गोरिदम हमने ये वाला एक लिया था, उसके बाद ओनली रिक्वायरमेंट शुड बी स्लाइटली बेटर देन अ रैंडम। कोई भी रैंडम नहीं लेना आपने, कोई इस तरह से लेना है कि बिल्कुल ही ज़ीरो एक्यूरेसी वाला ना हो लेकिन बेटर हो। टर्न इट इनटू एन ऑसम वन बाय मेकिंग इट फोकस ऑन अ डिफिकल्ट केसेस। जैसे मैंने अभी बताया कि आपने एरर्स को लेके आगे फर्दर मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना है, तो जो नया मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन होगा वो पिछले वाले के एरर्स को एडजस्ट कर देगा। ठीक है, उससे अगला वाला पिछले वाले को एरर्स को एडजस्ट कर देगा। मोस्ट बूस्टिंग स्टेप फॉलो दीज स्टेप्स। तीन स्टेप्स इसमें आते हैं। पहला है कि ट्रेन अ वीक लर्निंग मॉडल ऑन द सेम ट्रेनिंग डेटा। सही है, इसमें डेटा जो है वो सेम रहता है। सेकेंड स्टेप है कंप्यूट द एरर ऑफ द मॉडल ऑन ईच ट्रेनिंग एग्जाम्पल। हर प्रिडिक्शन के ऊपर हमारा एक जो एरर था उसको हमने कंप्यूट करना है। जो एरर्स आ जाते हैं गिव हायर इम्पोर्टेंस टू एग्जाम्पल्स ऑन विच द मॉडल मेड मिस्टेक्स। अब कुछ प्रिडिक्शन होंगी जिस पे वो एरर्स देगा, कुछ प्रिडिक्शन होंगी जिस पे वो एरर नहीं देगा। जिन पे वो एरर देगा उसको हम हायर इम्पोर्टेंस मार्क कर देंगे। रीट्रेन द मॉडल यूजिंग इम्पोर्टेंस वेटेड यूजिंग ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स। इसी तरह से मॉडल को ट्रेन करना है कि प्रिडिक्शंस पे जो एरर्स आए हैं उसको उसके ऊपर अगला मशीन लर्निंग मॉडल लगाना है और वो एरर्स को एडजस्ट कर देगा। गो बैक टू स्टेप टू, ये वही वाली चीज़ है। ठीक है, अब आपका जो बूस्टिंग का होता है एल्गोरिदम या एग्जांपल मेथड वो आप करते हो ऐड अ बूस्ट एल्गोरिदम से। तो ऐड अ बूस्ट एल्गोरिदम में ये होता है, ऐड अ बूस्ट में ये होता है कि आपके पास एक सेट दे दिया जाता है डेटा सेट्स का जिसमें आपने ज़्यादातर यूजली वो बाइनरी में फंक्शन करता है ऐड अ बूस्ट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उनका इनिशियल वेट कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, इनिशियल वेट अगर आपको गिवन है तो सही है, अगर नहीं गिवन तो आपने क्या करना है कि आपके पास जितनी नंबर ऑफ रोज हैं वो डिवाइड कर देंगे जितने आपके पास टोटल डेटा सेट्स हैं उससे। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो 10 डेटा सेट्स हैं और हर सेट का एक हर जो पॉइंट है उसका जो वेट है वो 1 है। अब राउंड 1 में क्या हुआ कि एरर रेट उन्होंने कैलकुलेट कर दिया है। एरर रेट हम लोगों के पास कैलकुलेट करने का ये होता है कि जितने
मिस क्लासिफाइड होते हैं ना, उनको जिस तरह यहाँ पे एरर रेट इन्होंने कैलकुलेट किया है, इन्होंने मिस क्लासिफाइड को पॉजिटिव ये प्लस वाले कर दिए, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 10 किया इज इक्वल्स टू 0.3, ये हमारे पास एरर रेट आ गया, ठीक है। ये जो H1 था, उसके बाद हमने अल्फ़ा कैलकुलेट करना है। अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है 1/2 नेचुरल लॉग 1 माइनस एरर, जो हमारे पास ये एरर आया वो, और डिवाइडेड बाय एरर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपके पास 0.42 आ जाएगा। ईच मिस क्लासिफाइड पॉइंट अब वेटेड। अब आपने सबसे पहले एरर को कैलकुलेट किया, उसके बाद आपने अल्फ़ा को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने न्यू वेट्स को कैलकुलेट करना है D2 में। न्यू वेट्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि जो मिस क्लासिफाइड पॉइंट्स होते हैं उसका फॉर्मूला होता है करंट एक्सपोनेंट लेके और अल्फ़ा की वैल्यू, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारे पास इनिशियल वेट्स आए थे। इनिशियल वेट्स क्या थे, ये 0.3, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये 0.3 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट, और ये जो अल्फ़ा की वैल्यू थी, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आई थी 0.42, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट 0.42, ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास मिस क्लासिफाइड का न्यू वेट आ जाएगा। इसी तरह जो करेक्टली क्लासिफाइड होंगे उनका जिस डिफरेंस ये आ जाता है कि इनिशियल वेट मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट माइनस अल्फा आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एडअप हो जाता है। अब राउंड टू में इन्होंने क्या किया है कि वही चीज़ फर्दर आगे आगे डिवाइड करते रहे हैं। इसी तरह राउंड थ्री है, जितने भी आपके राउंड होंगे उस तरह आपने राउंड सारे कैलकुलेट करने हैं। अब उसके बाद एक और एग्जांपल आ जाती है कि ये जो है एक लीनियर क्लासिफायर है, कि हमारे पास एक रैंडम डाटा पड़ा हुआ है और इस रैंडम के ऊपर हमने एडबूस्ट क्लासिफायर अप्लाई करना है, मतलब कि बूस्टिंग अप्लाई करके हमने इसको एक प्रॉपर वे फॉर्म में लेके आना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमने फर्स्ट राउंड में हमारे पास ये देखें, ये एक लेयर बन जाती है। फिर सेकंड में ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपके कोड के थ्रू होते हैं, तो ये मैनुअली यहाँ पे करना बहुत मुश्किल है। अब एक बहुत मेजर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैगिंग एंड बूस्टिंग। सो लेट्स रिकॉल कि बैगिंग क्या था और बूस्टिंग क्या था। बैगिंग में ये था कि हमारे पास एक डेटा सेट है और उस डेटा सेट को हमने डिफरेंट सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और डिफरेंट सब पार्ट्स में डिवाइड करके उसके ऊपर मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई कर दिया, ठीक है। और बूस्टिंग में ये था कि हमारे पास एक डेटा सेट है, उसको हमने मॉडल से ट्रेन किया, उस मॉडल से ट्रेन करने के बाद जो हमारे पास एरर्स आए थे उन एरर्स को हमने फर्दर मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई किया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये बेटर रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। बैगिंग इज़ कम्प्यूटेशनली मोर एफिशिएंट, जो बैगिंग है वो कम्प्यूटेशनली मोर एफिशिएंट है देन बूस्टिंग। बैगिंग में जो है वो हम मॉडल को पैरेलल में ट्रेन कर सकते हैं। पैरेलल में ट्रेन करने का मतलब ये है कि आपके पास एक डेटा सेट था, उसके ऊपर आपने KNN अप्लाई कर दिया, ठीक है। जो आपका सेकेंड सबसेट आया था डेटा सेट को डिवाइड करने के बाद, उसके ऊपर आपने डिसीजन ट्री अप्लाई कर दिया, और जो तीसरा आया था उसके ऊपर आपने फॉर एग्जाम्पल SVM अप्लाई कर दिया। जब इन तीनों का एवरेज लेंगे तो हमारे पास अच्छा रिजल्ट आएगा। तो बैगिंग ये कह रहा है कि आप तीन मॉडल्स को पैरेलल में कंप्यूट कर सकते हैं, लेकिन बूस्टिंग में आप एक ही डेटा सेट लेते हो और उसके ऊपर एक ही मॉडल लगा के उसको आगे फर्दर सॉल्व करते हो, तो बूस्टिंग पैरेलल नहीं कर सकता। बूस्ट रिड्यूस वेरियंस एंड ओवर फिटिंग बाई कम्बाइनिंग डिफरेंट मॉडल्स। द रिजल्टिंग मॉडल हैज़ अ हायर स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल वंस, ठीक है। एक्यूरेसी इंडिविजुअल स्टेबिलिटी वो बेटर होगी एज कम्पेयर टू कि आप हर डेटा सेट के ऊपर अलग अलग मॉडल अप्लाई करें। बैगिंग यूजली कैन नॉट रिड्यूस द बाइस, बूस्टिंग कैन। बूस्टिंग हम लोग बाइस को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो बैगिंग होता है वो वेरियंस को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। सो बैगिंग यूजली परफॉर्म्स बेटर देन बूस्टिंग इफ यू डोंट हैव अ हाई बाइस एंड ओनली वॉन्ट टू रिड्यूस वेरियंस। सो दिस वॉज अबाउट द इनसिम्बल मैथड्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट बैगिंग बूस्टिंग और स्टैकिंग, यू कैन आस्क इन द कॉमेंट्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।